मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माई सेल्फ पूनम मित्तल फ्रॉम रॉयल इंटरनेशनल स्कूल। दिस इज संस्कृत क्लास। तो आज हम संस्कृत पढ़ेंगे क्लास 6 की। तो आज हम कौन सी संस्कृत पढ़ेंगे? क्लास 6 की संस्कृत। तो जल्दी से बच्चों, हम जो चैप्टर पढ़ रहे थे वो पढ़ रहे थे अव्यय पदानी। तो बच्चों, मैंने आपको ये चैप्टर पढ़ा दिया था और आपको ये भी बता दिया था कि अव्यय पद कहते किसे हैं। ठीक है बच्चों, तो ये मैंने चैप्टर आपको कंप्लीट करा दिया था। आज हम इसकी एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं और इसकी एक्सरसाइज हम कंप्लीट करते हैं। तो देखिए, फर्स्ट है मंजूषा में एक पद में उत्तर दीजिए। यहाँ पे कुछ शब्द दिए हुए हैं, ठीक है। आपको क्या करना है, आपको ये क्वेश्चंस दिए हुए हैं और एक पद में आपको उत्तर देना है इनमें से। तो देखिए, फर्स्ट है त्वम कुत्र वससि, यानी तुम कहाँ रहते हो। तो यहाँ पर क्या बताया था, दिल्ली नगरे। कहाँ रहता है वो? दिल्ली नगर में। युवाम किम खादत, तुम दोनों ने क्या खाया। तो क्या खाया था? भोजनम, यानी भोजन खाया था। त्वम नाम किम अस्ति, तुम्हारा नाम क्या है। तो इसमें क्या आएगा? देवदत्त है, यानी मेरा नाम क्या है? देवदत्त है। त्वम कुत्र पठसि, तुम क्या पढ़ते हो। तो क्या पढ़ते हैं, तुम कहाँ पढ़ते हो। तो यह आ जाएगा कि हम विद्यालय में पढ़ते हैं। फोर्थ में आएगा विद्यालय। इसी प्रकार यूयम किम पीबत, तुम सब क्या पी रहे हो। तो यानी क्या पी रहे हैं सब? दुग्धम। क्या पी रहे हैं? दुग्धम। ठीक है बच्चों, यहाँ पे ये फिल हो जाएगा। उसके बाद में देखिए, फिर मंजूषा है। मंजूषा से उचित अव्यय छांटकर रिक्त स्थान। अव्यय मैंने आपको बताया था, तो आपको देखना है कि कौन सा अव्यय किस में आएगा। तो बालक कहाँ खेल रहे थे? बही, यानी बाहर। तो फर्स्ट में आएगा बाहर। उसके बाद देखिए, ईश्वर डैश अस्ति, तो ईश्वर कहाँ है? ईश्वर सर्वत्र, यानी सभी जगह है। तो इसमें आएगा सेकेंड। सह सत्यम वदामी, तो हमें क्या बोलना चाहिए? सत्यम हमेशा, सदा, यानी हमेशा बोलना चाहिए। तो इसमें आएगा सदा। उसी प्रकार यूयम गच्छत, तो यानी कुत्र, यानी कहाँ जा रहे हो। तो फोर्थ में आएगा कुत्र। अश्व कैसे दौड़ता है? तेज। तो तेज देखो यहाँ पे क्या है? तीर्वम। तो फिफ्थ में क्या आएगा? तीर्वम। वेरी गुड। अब देखिए आगे देखते हैं बच्चों, नेक्स्ट में क्या आएगा? धातुओं के उचित रूप में से रिक्त स्थान भरिए। देखिए बच्चों, अहम उच्चे, मैं क्या बोलता हूँ? बोलता हूँ, तो बोलना आएगा ना। तो इसमें क्या आएगा? बदामी, यानी बोलता हूँ। उसके बाद अहम, यहाँ पे देखो ये हमारा कौन सा है? ये हमारा उत्तम पुरुष का है, ठीक है। एक वचन। आवाम अत्र, तो आवाम का क्या आएगा? अगच्छाव। आवाम आ गया ना यहाँ पे हम दोनों, ठीक है। उसके बाद आवाम तत्र, यहाँ पे भी द्विवचन आ गया, तो इसमें भी आएगा कीड़ाव। इसी प्रकार वयम, ये हमारा उत्तम पुरुष का बहुवचन आ गया, तो यहाँ पर आ जाएगा गच्छाम। आम लग जाता है ना पीछे, किया जाएगा गच्छाम। उसी प्रकार वयम, हम सब धीरे धीरे चलाम, यानी चलते हैं, ठीक है बच्चों। चलिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में आपको मैच करने हैं। तो देखिए, मैच करिए, अत्र को आप मैच करेंगे यहाँ से। अत्र का मतलब होता है यहाँ। कुत्र को करेंगे कहाँ से, कुत्र का क्या होगा? कहाँ। उच्चे को करेंगे जोर से, उच्च का मतलब होता है जोर से। चय का मतलब होता है और, चय का मतलब क्या होता है? और। तत्र का मतलब होता है वहाँ, तत्र का मतलब वहाँ। तीर्वम यानी तेज, और अपि, तीर्वम यानी तेज और अपि यानी भी। अपि का मतलब क्या होगा? भी। वेरी गुड। ठीक है बच्चों, आ गया समझ में आपको ये। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट एक्सरसाइज है हमारी संस्कृतेन अनुवादम कुरु, यानी संस्कृत में अनुवाद करना है। तो देखिए, तुम नीचे जाते हो, यानी त्वम नीचे गच्छसि, तो इसका क्या आएगा? त्वम नीचे गच्छसि। उसी प्रकार तुम दोनों वहाँ खेलते हो, तो आवाम, या तो आवाम आएगा ना तुम दोनों के लिए, तो वहाँ यानी तत्र, तो आवाम तत्र कीड़ाओ। तो इसमें क्या आएगा क्रिया में? कीड़ाओ। वे दोनों बाहर खेलते हैं, तो वे दोनों का क्या आएगा यहाँ पर? ठीक है, तव आएगा। वेरी गुड, क्या आएगा? तव। तो तव भई यानी बाहर, कीड़त है यानी खेलते हैं। ईश्वर सब जगह, तो ईश्वर सर्वत्र अस्ति, ईश्वर सब जगह है। ठीक है बच्चों, तो ये आपको यहाँ पर कंप्लीट करना है और आज आपकी एक्सरसाइज यहाँ पर कंप्लीट हो चुकी है। चलिए मैं आपको इसका होमवर्क बता देती हूँ। आपको होमवर्क में क्या क्या करना है, सबसे पहले तो आपको फर्स्ट एक्सरसाइज अपनी नोटबुक में करनी है। उसके बाद में आपको देखिए, उसके बाद में आपको ये भाषा अवबोध वाली करनी है, और फिर आपको ये संस्कृत व अनुवाद वाला, ये 3 एक्सरसाइज आपको अपनी नोटबुक में करनी है। ओके बच्चों, आपकी नोटबुक, ये आपकी जो बुक एक्सरसाइज है वो कंप्लीट हो चुकी है। हैव ए नाइस डे। थैंक यू।